टेक्नोलॉजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। दोस्तों, ये तो आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि हम अपने के YouTube चैनल को कैसे लॉन्च कर सकते हैं या फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि कैसे मैं अपने खुद के टीवी चैनल को शुरू कर सकता हूं, तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने भी सोच रखा है कि मुझे टीवी चैनल की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए वो क्या क्या तरीकों को फॉलो करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं, जिसके बाद ही एक टीवी चैनल सक्सेसफुली आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए, एक टीवी चैनल को शुरू करना यूट्यूब चैनल जितना आसान नहीं होता है। यूट्यूब में तो देखिए, जब मर्जी हम ऑनलाइन यूट्यूब में लॉग इन करके अपने नए चैनल की क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन टीवी चैनल को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आर्थिक बजट जो है वो भारत सरकार के पास दिखाना पड़ेगा कि आखिर आप कितना पैसा अपने चैनल को शुरू करने के लिए लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर आप एक हिंदी धारावाहिक का चैनल, हिंदी फिल्मों का चैनल, हिंदी म्यूजिक का चैनल या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज का चैनल लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम जो आपके पास बजट होना चाहिए, जिसे आप भारत सरकार के पास पेश करेंगे, वो रहता है मिनिमम 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ रुपए कम से कम आपके पास होने चाहिए, जिसके बाद इस कैटेगरी का जो चैनल है जो आपको मैंने बताए हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी जनर में, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, उसमें आप एक न्यूज चैनल को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो बजट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 करोड़ रुपए। जी हाँ, कम से कम 20 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो आपको भारत सरकार की ओर से अप्रूवल मिल सकती है कि हाँ, आप एक सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इन चीज़ों की, क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं कि हम कैसे अपने चैनल को शुरू कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि आप एक टीवी चैनल को तभी शुरू करें अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। क्योंकि आज के वक्त में किसी भी टीवी चैनल को अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो एक बिजनेस के रूप में ही आप कर सकते हैं। अगर वो एक न्यूज चैनल है या फिर कोई भी चैनल का चैनल है, तो उससे अगर एक बिजनेस मॉडल की तरह देखेंगे तो ही वह ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। आपने ये भी देखा होगा कि कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो लॉन्च होते हैं और 1 से 2 सालों के भीतर बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? बिजनेस लॉसेस, या फिर एम्प्लॉयज जो भी आपने हायर किए हुए हैं वो इतने अच्छे खासे नहीं थे, जिसकी वजह से वो जो आपका बिजनेस था वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए सबसे पहली बात यही होती है कि आपका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर न्यू आइडियाज़ होने चाहिए किसी भी चैनल को शुरू करने के लिए, जिसके बाद ही आप आसानी से यहाँ पर अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर दर्शक ही आपके पास नहीं आएंगे, आपके चैनल को देखना पसंद नहीं करेंगे, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं मिलेंगी, और अगर एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगी तो अर्निंग कैसे होगी? सबसे बड़ा जो स्रोत होता है पैसा कमाने का किसी भी चैनल से, वो अर्निंग्स होता है एडवर्टीजमेंट से। जिस प्रकार से हम यूट्यूब से एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं, उसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट से ही मोस्टली पैसा कमाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कई बड़े बड़े चैनल्स भी टैली शॉपिंग शो करते हैं। उसका कारण यही है कि टैली शॉपिंग से फिर उन्हें काफ़ी अच्छी खासी रेवेन्यू मिल रही है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। इसके अलावा जो पैसा कमाने का तरीका होता है वो हमारा स्पॉन्सरशिप होती है, तो वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो है अगर आपको एडवर्टीजमेंट्स मिल रही हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके अलावा हमें क्या क्या तरीकों को फॉलो करना है, देखिए, इसके अलावा अगर आप टीवी चैनल की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास, अपने लाइसेंस को अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कम से कम यहाँ पर 5 लाख रुपए की जो फीस है वो मिनिमम लगती ही लगती है। और यहाँ पर एक बात को ध्यान देने की जरूरत आपकी ये है कि जो भी आप लाइसेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर वो अप्रूव हो भी जाता है तो अप्रूव होने के लिए करीब 6 महीने या फिर साल भी लग जाता है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो लाइसेंस की फीस होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल या फिर 5 साल के बीच में जरूर आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हमारे ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी कहीं ना कहीं हमें रिन्यू करवाना पड़ता है ना, हर 5 साल के बाद, जब उसकी वैधता 15 साल की कंप्लीट हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सीन रहता है कि आपको शुरू में जैसे लाइसेंस मिल गया तो या तो कहीं ना कहीं आपको साल के बाद या फिर 2 से 3 साल के बाद या फिर सीधा 5 साल के बाद उस चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ता है, उसकी फीस आपको देनी पड़ती है।
अगर अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो जो चैनल है वो कैंसिल हो जाएगा और आप किसी भी तरीके से उसे प्रसारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके लाइसेंस की। अब लाइसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगी, तो उससे पहले आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि चैनल का जो नाम है, जो आपने सोच रखा है, चाहे वो किसी भी जनर का है, म्यूजिक का है, फिल्मों का है, तो उसका जो नाम है वो किसी दूसरे चैनल के साथ मैच नहीं होना चाहिए। आपके चैनल का नाम एक यूनिक होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर स्टार वर्ल्ड के नाम से ही स्टार वर्ल्ड फैमिली या किसी और नाम से चैनल शुरू करने की कोशिश करेंगे तो वो जो लाइसेंस है, जो भी आप अप्रूवल के लिए करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोशिश कभी भी मत कीजिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा एक नए यूनिक तौर पर चैनल के नाम की खोज करें और उसके बाद जैसे उसका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसके चैनल लोगों के लिए। उसका एक नया चैनल लोगो क्रिएट कीजिए कि जो चैनल का जो लोगो है वो किस प्रकार से रहेगा। अगर वो भी अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी तरीके से सैटेलाइट में चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बताने की जरूरत यह है कि सैटेलाइट की जो परमिशन है वो भी आपको लेनी पड़ेगी कि आप कौन से सैटेलाइट से अपने चैनल को ट्रांसमिट यानी अपलिंग या डाउनलिंक करना चाहते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसीज होती है अलग, डिफरेंट टाइप्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं और उसकी भी जो है अलग से कॉस्ट रहती है। यानी जिस फ्रिक्वेंसी से आप चैनल को अपलिंक करेंगे या डाउनलिंक करेंगे तो उसके लिए भी जो कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी आपको चीज़ जो है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए बहुत से सीमेंट सेटेलाइट्स चल रहे हैं, इंटरसेट 20 है, जी सेट 17 है, जी सेट 30 है, और भी कई सीमेंट के सेटेलाइट्स हैं, तो उसके आप जो है परमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो चैनल है वो क्या फ्री टू एयर रहेगा या फिर वो स्क्रैम्बल्ड रहेगा, पेड रहेगा, तो वो भी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा। अगर वो चैनल एक पेड के तौर पर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको इंक्रिप्शन कीज भी लेनी पड़ती हैं, जैसे कि बहुत सी इंक्रिप्शन कीज हमारे बीच मौजूद है, एडटो है, पावर व्यू है, बिस्की है, और भी कई कीज है जो चलती हैं, कोनेक्स है, तो इन कीज का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप एक सक्सेसफुली अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। अब चैनल को अगर मान लीजिए आपने लॉन्च कर भी दिया तो उसको ग्रो करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जो चैनल है उसकी रीच कैसे फैलेगी। रीच फैलाने के लिए आप DTH प्लेटफॉर्म्स का, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर केबल टीवी ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है जब आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं होता है तो आप लोकल केबल ऑपरेटर्स को ही चुनते हैं, और जैसे ही आपका बजट कुछ अच्छा खासा हो जाता है, एडवर्टीजमेंट्स कुछ के पैसे आपको मिलने लग जाते हैं, तो आप DTH प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। यानी दर्शक जो हैं जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी और एडवर्टीजमेंट भी उतनी ही ज़्यादा महंगी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो कॉस्ट है वो निर्भर करती है DTH ऑपरेटर पर। अगर आप डिश टीवी को चुनते हैं अपने चैनल को लॉन्च करने के लिए तो डिश टीवी की कॉस्ट अलग रहती है, टाटा स्काई की कॉस्ट अलग है, एयरटेल की कॉस्ट अलग है, D2H की कॉस्ट अलग है, या फिर सेंट्रल की कॉस्ट अलग है, और वीडियोकॉन D2H के अलावा यहाँ पर जो फ्री टू है DTH प्लेटफॉर्म चल रहा है DD फ्री डिश, उसकी कॉस्ट भी अलग रहती है। यानी यहाँ पर जो है जनर वाइज जो है कैटेगराइज जो है चैनल को बांटा हुआ है। अगर एक हिंदी फिल्मों का चैनल है तो 10 या 11 करोड़ रुपये देना पड़ेगा आपको एक साल का। अगर कोई हिंदी धारावाहिक का चैनल है तो 15-16 करोड़ रुपये भी देना पड़ेगा। म्यूजिक का चैनल है तो 6-7 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ जो फीस है वो निर्भर करती है हर एक DTH ऑपरेटर की अलग अलग। तो ये जो है आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा तो ही आप एक सक्सेसफुल चैनल को अपना यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यानी जो भी आपको प्रोसीजर बताए हैं वो यही रहते हैं कि आपको जो है लाइसेंस अप्रूव करवाना पड़ेगा, सरकार से जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितना बजट है। जैसे कि आपको ने बताया कि 5 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए तो मिनिमम बजट होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको अपने स्टूडियो क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडियो क्रिएट करने के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को सैलरी अलग से देनी पड़ेगी। आप अगर आप एक न्यूज़ चैनल की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास OB वैन यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन भी होनी चाहिए, जिसका खर्चा अलग से उठाना पड़ेगा, और जो लाइटिंग का खर्चा होगा, कैमराज का खर्चा होगा, उसका जो खर्चा सारा है वो आपको अलग से ही उठाना पड़ेगा। तो चैनल को लॉन्च करना आसान नहीं है, जिस प्रकार से हम यूट्यूब में जैसे मर्जी चैनल को शुरू कर लेते हैं, लेकिन टीवी चैनल को शुरू करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा बजट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें आपका क्या सवाल है, आपको ऐसा कौन सा पॉइंट आपने जो है यहाँ पर मिस कर दिया मेरी वीडियो में, तो वो मुझे आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।